डॉक्टर साहब, दर्द तो बहुत होगा ना? दर्द तो होगा पर मीठा मीठा होगा। ठीक है लीजिए। अरे किसने कह दिया कि मैं हाथ में लगाने वाला हूं? तो फिर? अरे आप पीछे होकर लेटिए तो सही, पता चल जाएगा कहाँ लगाना है। तुम डर क्यों रही हो? वर्षा मजबूरी तुम्हारी है मेरी नहीं। तुम अगर सपोर्ट करोगी तभी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा ना, इसलिए मुझे जो भी करना है ना करने दो। अपना हाथ दिखाइए। नब्ज तो ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ना खांसी हो रही है। आप घबराइए नहीं, बहुत सही जगह पे आई है, बहुत अच्छे से इलाज करेंगे आपका। चेकअप कर लेते हैं। सांस लीजिए और डॉक्टर साहब थोड़ा अच्छे से चेक करिए ना, बहुत तकलीफ में। थोड़ा पीछे घूम जाइए। अब थोड़ा घूम जाइए। मिशे शर्मा, आपको अंदर आना पड़ेगा, एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा आपको। इंजेक्शन? अरे हाँ, घबराइए नहीं। वो क्या है ना कि कफ थोड़ा ज्यादा हो गया है आपका, तो उसको सुखाने के लिए एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप वार्ड में चलिए, मैं आपको वही इंजेक्शन लगाता हूँ। चलिए। डॉक्टर साहब, दर्द तो बहुत होगा ना? दर्द तो होगा पर मीठा मीठा होगा। ठीक है लीजिए। अरे किसने कह दिया कि मैं हाथ में लगाने वाला हूं? तो फिर? अरे आप पीछे होकर लेटिए तो सही, पता चल जाएगा कहाँ लगाना है। लेटिए लेटिए।
हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी और सिर्फ आपकी प्रिया गमरे गुप्त गुनाह के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे इस देश में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, क्योंकि जब भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट के नज़दीक आता है तो उस पेशेंट को इतना कॉन्फिडेंस आता है कि उसे ऐसा लगता है कि बस अब मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन अगर वही डॉक्टर गंदी नीयत से किसी के करीब जाए तो फिर उन दोनों की ज़िंदगी इस तरह से उथल पुथल हो जाती है कि फिर उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। तो आज की हमारी कहानी ऐसे ही एक डॉक्टर की है जिसका नाम है डॉक्टर हांडा। डॉक्टर हांडा की नीयत अपने फीमेल पेशेंट के लिए इस कदर गंदी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आइए देखते हैं डॉक्टर हांडा की कहानी। गुप्त गुनाह बंद दरवाजे के पीछे। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? अंदर केबिन में। मुझे डॉक्टर से मिलना है। वो बिजी है मैम, अर्जेंट है। अरे वो बिजी है अभी। मुझे डॉक्टर से मिलना है। नहीं, बिजी है वो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। जी आप कौन? आपका अपॉइंटमेंट है क्या? नहीं, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। तो मैम पहले जाइए, अपॉइंटमेंट लेकर आइए, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। डॉक्टर, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं एक टीचर हूँ। आप एक टीचर? तो फिर यहाँ क्यों आई? क्या काम है आपको मुझसे? डॉक्टर प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए मैम, आपको जो भी कहना है बहुत जल्दी कहिए। I have no time now, okay? Okay, मैं पिछले हफ्ते अपने फ्रेंड्स के साथ लोनावला गई थी और मैंने अपने प्रिंसिपल को झूठ बोल के ये लीव ली थी कि मैं बहुत बीमार हूँ और आपके हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। बट उन लोगों को ना अभी मुझ पर शक होने लगा है। मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि मैं पिछले हफ्ते आपके हॉस्पिटल में ही एडमिट थी और उसके लिए मुझे फेक बिल्स और मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसे मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि मैं 25 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपके यहाँ पे, यू नो व्हाट आई मीन, यहाँ पे एडमिट थी। उसके लिए मैं आपको चार्जेस जो भी रहेंगे मैं पे कर दूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, आपको क्या लगता है कि मैं कोई दो नंबर का झोला छाप डॉक्टर हूँ? आप मुझसे फर्जी बिल और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए बोलेंगे और मैं आपको बना के दे दूंगा? डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनिए। एक्सक्यूज मी, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, ओके? आप मेरा टाइम खराब ना करें, मैं बिजी हूँ। प्लीज प्लीज आप जाइए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैम मैंने कहा ना, संगीता संगीता मैम को बाहर ले जाइए। प्लीज प्लीज मैम जाइए, प्लीज आप जाएं, जाइए प्लीज। अंकिता जी बताइए। आज मेरा लंच मत बनाना, एक मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, आने में लेट हो जाएगा। अच्छा ठीक है। हेलो कौन? सर मैं वर्षा टीचर, कल आई थी ना आपके हॉस्पिटल में। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सर आपका नंबर मुझे आपके वार्ड बॉय से मिल गया है। सर अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सिचुएशन। सर मेरी जॉब चली जाएगी। सर आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपको पता है ना कितना मुश्किल है टीचर की जॉब मिलना। अब अगर आप बोलते हो तो मैं अभी अपॉइंटमेंट लेके आ जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, अभी आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आज मैं शाम को हॉस्पिटल आने वाला हूँ। तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर बाद जा करके मेरे स्टाफ को अपना पूरा डिटेल्स दे देना। मैं शाम को आकर के देख लूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ओके? थैंक यू सर। ठीक है ठीक है, बाय।
सर। हाय। सर मैंने अपना सारा डिटेल्स आपके स्टाफ को दे दिया है, अब सिर्फ आपके सिग्नेचर चाहिए। अरे सब हो जाएगा, मैं सिग्नेचर भी कर दूंगा। पहले ये बताइए आपने कुछ लिया या नहीं, मेरा मतलब चाय या कॉफी? नहीं सर, एक्चुअली मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे आज ही सब डिटेल्स मैम को सबमिट कराना है। अब इतनी जल्दी भी क्या है वर्षा जी, थोड़ा हमें भी तो खातिरदारी का मौका दीजिए। सर मैं समझी नहीं। अच्छा आप पैसों की बात कर रहे हो ना? अरे नहीं नहीं, मैं पैसों की बात नहीं कर रहा हूँ, माफी बताइए ना वर्षा जी, इतनी खूबसूरत लड़की से इतने छोटे काम के लिए कोई बोल सकता है क्या? भगवान का दिया हुआ मेरे पास बहुत कुछ है, दो दो बंगलो है, चार चार गाड़ियां हैं। अच्छा हाँ, आप लोनावाला गई थी ना एंजॉय करने के लिए, वहां पे मेरा एक फ्लैट भी है। आप बॉयफ्रेंड सब गई होंगी लोनावाला? नहीं सर, मेरी सारी फीमेल बेस्टीज ही थी। वाओ दैट्स नाइस, अच्छा लगा सुन करके, मुझे लगा बीएफ के साथ गई होंगी। अच्छा एक बात बताइए, आपने बताया था कि आप टीचर हैं राइट, आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? हाँ सर मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। वाओ दैट्स नाइस, आपको पता है वर्षा जी मैं भी बायोलॉजी का एक्सपर्ट हूँ। हाँ वैसे एक बात बताइए, आप बायोलॉजी का चैप्टर बच्चों को कैसे समझाती हैं? सर मैं समझी नहीं। अरे मैं समझाता हूँ, प्लीज बैठिए ना। मेरा मतलब ये था वर्षा जी कि आप लोनावाला गई थी पार्टी करने, मौज मस्ती करने, जो आप नहीं कर पाए उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं सर मैं ये सब नहीं कर सकती, आपको चाहिए तो मैं और पैसे दे सकती हूँ लेकिन मुझसे ये सब नहीं होगा। तो ठीक है फिर ये डील कैंसिल, जाकर के अपने मैडम को बता दीजिए आप कि आप वैकेशन पे गई थी, बस बात खत्म। सर सर प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड सर, सर मेरा करियर दांव पे लगा हुआ है, आप जो बोलोगे मैं वही करूंगी सर प्लीज। तो ठीक है फिर ये डील पक्का, मैं जैसा चाहता हूँ अगर आपने वैसा कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। आप चाहिए अंदर वॉल में, मैं आता हूँ, घबराई नहीं, हम दोनों के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है। संगीता yes. तुम जाकर के उस पेशेंट को ना बोलो एक घंटे रुकने के लिए, मैम का 3-4 चेकअप है, मैं करके आता हूँ। yes. और हाँ दरवाजा बंद करके जाना। डर क्यों रही हो वर्षा, मजबूरी तुम्हारी है मेरी नहीं, तुम अगर सपोर्ट करोगी तभी तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा ना, इसलिए मुझे जो भी करना है ना करने दो, फिर तुम्हारा काम कर दूंगा मैं।
मजबूरी। दोस्तों, मजबूरी इंसान को इस कदर लाचार कर देती है कि न चाहते हुए भी उसे अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। वर्षा के साथ भी यही हुआ। डॉक्टर हांडा ने वर्षा की मजबूरी का बखूबी फायदा उठाया। वर्षा को अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर जाना बहुत भारी पड़ा। फेक मेडिकल सर्टिफिकेट्स एंड बिल्स बनवाने के लिए वर्षा को मजबूरी में आके डॉक्टर हांडा को खुश करना पड़ा। इसी तरह डॉक्टर हांडा अपने पेशेंट्स की मजबूरियों का फायदा उठाते रहे। अपने इस महान पेशे को भूलकर मर्यादा की सारी हदें पार करते रहे। आखिर कब तक? कब तक डॉक्टर हांडा लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे और उनके सामने महान बनते रहेंगे? आइए आगे देखते हैं। शुक्रिया वर्षा जी, जो आपने हमें सेवा का मौका दिया। ये रहे आपके मेडिकल सर्टिफिकेट्स और बिल्स। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। विजय शर्मा, मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख देता हूँ। 3 टाइम लेना है खाना खाने के बाद। उसके बाद भी अगर आपको कोई तकलीफ या प्रॉब्लम महसूस होती है तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर लीजिएगा। जी डॉक्टर। मेरा नंबर तो है आपके पास। हाँ संगीता, मैम को मेडिसिन का पर्ची दे देना। बाय, सी यू। अरे मिस्टर शर्मा, अगर आपको फिर भी आराम नहीं मिले तो काम कीजिए, आ जाइए ना मेरे हॉस्पिटल में, यहीं एडमिट हो जाइए। मैं हूँ ना आपका ध्यान रखेंगे। एडमिट तो आप होंगे डॉक्टर साहब। मैं बात करूंगा, वो भी जेल में। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, आप सब यहाँ? आप वर्षा राजपूत को जानते हो? वर्षा राजपूत? जी नहीं। जी जी जानता हूँ मैं, वर्षा राजपूत को जानता हूँ मैं। आप पहले डिसाइड कर लीजिए, आपको सच बोलना है या झूठ। पर सर बात क्या है, आप लोग वर्षा राजपूत के बारे में पूछ क्यों रहे हैं मुझसे? वर्षा राजपूत 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक वो आपके इसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, हाँ या ना? जी वो यही थी। अगर वर्षा राजपूत 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आपके हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसकी फोन लोकेशन मर्डर स्पॉट पर कैसे हो सकती है? What? मर्डर? तो आपको पता नहीं है, जाने माने बिजनेसमैन शशांक ग्रोवर का मर्डर हो चुका है और वर्षा राजपूत उसी की गर्लफ्रेंड है। और हमें शक है कि वर्षा राजपूत ने ही शशांक ग्रोवर का मर्डर किया है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, शशांक ग्रोवर की बॉडी उसी के फ्लैट में मिली और उसी रात बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज में हमने वर्षा राजपूत को देखा। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है, 24 सितंबर से 30 सितंबर तक वर्षा राजपूत मेरे यहाँ एडमिट थी। अरे हमें गलत फहमी कैसे हो सकती है? हाँ
डॉक्टर साहब, वर्षा राजपूत हमारी प्राइम सस्पेक्ट है। कोर्ट में पेशी के समय उसने प्रूफ कर दिया कि 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक वो इसी हॉस्पिटल में थी। सिंह, फाइल लाए हो ना? यस सर। ये देखिए, वर्षा के सारे बिल्स देखिए और बाकी पेपर्स देखिए। ये सिग्नेचर आप ही के हैं ना? मेरे ही सर। गुड। अब आप मुझे ये बताइए कि एक शख्स एक समय पर दो जगह कैसे हो सकता? ठीक है, वैसे आपके हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरा तो होगा ही। जी है सर। बहुत अच्छा। सिंह, एक काम करो, जिस वार्ड में वर्षा राजपूत एडमिट थी वहां के सीसीटीवी फुटेज निकलवा, कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। सर 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 सर, एक मिनट सर, मेरी बात सुनिए। बताइए, सुनने के लिए खड़े हम। सर सर, मैं मानता हूँ कि वर्षा यहाँ पर आई थी। मैं पिछले हफ्ते अपने फ्रेंड्स के साथ लोनावला गई थी और मैंने अपने प्रिंसिपल को झूठ बोल के ये लीव ली थी कि मैं बहुत बीमार हूँ और आपके हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। बट उन लोगों को ना अभी मुझ पर शक होने लगा है। मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि मैं पिछले हफ्ते आपके हॉस्पिटल में ही एडमिट थी। लड़की का चक्कर है बाबू भैया, लड़की। सॉरी डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको तो पता ही होगा कि अपराधी की मदद करना कितना बड़ा क्राइम होता है। आपने कातिल के लिए फेक प्रूफ बनाया, उसका सपोर्ट किया। आप जानते हैं, आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। आपका हॉस्पिटल, आपका नाम सब बर्बाद हो जाएगा। क्यों सिंह साहब? बिल्कुल सर, सब बर्बाद है। तो बताइए डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? सर 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 सर, प्लीज सर, आई एम सो सॉरी सर, मुझसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती होगी सर। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं गलत नहीं हूँ यहाँ सर, प्लीज। डॉक्टर साहब, क्राइम तो हुआ है और आपने क्रिमिनल की मदद की है, पुलिस को धोखा देने के लिए, कानून को धोखा देने के लिए। बहुत लंबे समय तक अंदर जाएंगे आप, जानते आप। सिंह, डॉक्टर साहब को ले चलो, आइए आइए। उस लड़की ने मुझे धोखा दिया है सर, वो मुझे फंसाना चाहती है। मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे बीवी बच्चे सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए आप सर। सर को ब्लेम प्लीज सर, कुछ ले देगी छोड़ देते हैं ना। अबे नहीं बे, पैसे का लेने छोड़ दिया मैंने, तू भी मत पढ़, ले चल इसको, चल ले चल। सर 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 सर, मैं दूंगा आपको पैसा सर, और मैं कसम खाता हूँ किसी को नहीं बताऊंगा सर मैंने आपको पैसे दिए सर। सिंह याद रखना, इस पर एक और धारा लगेगी, पुलिस वाले को रिश्वत दे रहा है, ले चल इसे, देख क्या रहा है, ले चल। सर सर सर, दो लाख रुपए दूंगा सर। अबे भिखारी समझे तूने? हाँ ठीक है, पांच लाख सर। अबे मार्केट में आए क्या, ले चल। ठीक है सर, दस लाख में फाइनल कर दीजिए अपनी। 12 लाख कम है ना सर, एक काम करते हैं 15 लाख लेके छोड़ देते हैं। हाँ सर 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 सर, 12 ठीक रहेगा सर, 12 डन कर दीजिए सर, 12। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आप पैसे अरेंजमेंट करो और दो स्पेशल चाय हम दोनों के लिए। ठीक। संगीता, संगीता। यस सर। संगीता, वाह संगीता, संगीता। तुम दो स्पेशल चाय लेकर आओ अंदर जल्दी। ओके
हाँ पापा। लाला सर ये रहा पूरे 12 लाख रुपए हैं सर, गिन लीजिए सर। ये लीजिए जी। डॉक्टर साहब अब आप चिंता मत कीजिए और अपनी चिंता हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। चाय पीजिए, हॉस्पिटल चलाइए, लेकिन ईमानदारी से। बाय संगीता। रघु भाई चाय के लिए मैंने बोल दिया है और आज तो हमें मजा ही आ गया, हम लोगों ने आज तो बड़ा ही हाथ मार लिया है। अरे हमारी नहीं बेटा, ये तो सोनी मैडम की मेहरबानी है। रघु ये मेरी मेहरबानी नहीं, हम तीनों की कलाकारी है। ये क्या बात है। अरे मैडम जी ये पैसे की नहीं जरूरत नहीं है, पूरे ही होंगे। अरे हमने खुद देखा है डॉक्टर कैसे फटी पड़ी थी। आप बताइए आगे का क्या प्लान है। बताती हूँ टेंशन ना ले। दोस्तों इस दुनिया में हर नाप की टोपी मिलती है। वर्षा और उसके दोस्तों ने डॉक्टर हांडा को इस तरह टोपी पहना दी कि डॉक्टर हांडा कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि उनके जैसे चालाक इंसान को कोई इस कदर बेवकूफ बना सकता है। दरअसल दोस्तों डॉक्टर हांडा की नीयत ही उनकी इस हालत की जिम्मेदार बनी। जिस तरह खूबसूरत औरतों को देखकर डॉक्टर हांडा का ईमान डोल जाता था, यकीनन अब जो उन्हें सबक मिला है मुझे नहीं लगता वो अपनी गलती दोबारा दोहराएंगे। वर्षा और उसकी टीम ने डॉक्टर हांडा के साथ जो कुछ भी किया क्या वो सही था या गलत, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। दोस्तों आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मैं आपकी और सिर्फ आपकी प्रिया गमरे आपसे विदा लेती हूँ। गुप्त गुनाह के नए एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। एपिसोड को देखने के लिए चलने वाला ओरिजिनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।